दोस्तों मेरे पास आई हुई है होंडा एक्टिवा, इसमें प्रॉब्लम दे रहा है कि जब गाड़ी जब चलता है तो गाड़ी के अंदर साउंड आता है। कैसे साउंड आता है अभी आपको सुना दे रहा हूँ, मैं दिखा दे रहा हूँ। मैं अभी ये देखिए जो इसका साउंड होता है अभी नहीं आ रहा है, इसका जो साउंड आने का तरीका है ऐसे आता है, देखिए ये देखिए ये जो साउंड होता है, और कीक को नीचे करेंगे साउंड चले जाता है। ये देखिए साउंड गया, ये जैसे कीक ऊपर आता साउंड इसका चालू हो जाता है। अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये क्लच कवर होता है इसको, जो क्लच कवर खोला जाता है इसको पूरा ओपन करना पड़ता है। ओपन करने के बाद जो उसके अंदर छोटा कीक रहती है वो टच हो रहा है आपस में। अभी पूरा मैं ओपन कर रहा हूँ, फिर बताता हूँ आपको उसके अंदर क्या प्रॉब्लम था। इसी तरीके कभी आपकी गाड़ी में अगर प्रॉब्लम हुआ तो इससे सॉल्व कर सकते हो, जो कीक के अंदर साउंड आता है उसको कैसे रिपेयरिंग किया जाए उसका तरीका मैं वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। अभी सबसे पहले मैं इसको ओपन करूँगा, गाड़ी पहले बंद कर रहा हूँ, बंद करने के बाद फिर इसको ओपन करूँगा। ओपन करके आपको दिखाऊँगा कि क्या चीज़ किधर टच होता है इसलिए साउंड आता है। पहले आप देख लीजिए जो क्लच कवर होता है, मैंने ओपन कर पूरा कर चुका हूँ। इसका जो क्लच कवर का ओपन करने के लिए टोटल इसमें अगर कवर में पूरा स्क्रू अगर पूरा इसे ये बोल्ट लगा हुआ है देखिए, तो ऐसे अगर बोल्ट लगा है टोटल आपको 8 बोल्ट खोलना पड़ेगा। 8 बोल्ट खोलने के बाद फिर आपका क्लच कवर इजी से बाहर आ जाता है, क्लच कवर इसको बोला जाता है। इसमें कीक रेक्ची देखिए मैंने यहाँ निकाल लिया हूँ, दिख रहा है आपको, यहाँ से मैं निकाल दिया हूँ इसको। कीक रेक्ची हम लोग बोलते छोटा वाला, ये छोटा वाला कीक रेक्ची है। इसमें एक वार्सल लगा हुआ रहता है, देखिए एक वार्सल लगा हुआ रहता है। अगर कभी भी ऐसे साउंड आ रहा है पहले आपको क्या काम करना है, जो वार्सल है वार्सल अगर आपको पतला लगा, पतला लगा के देखना चाहिए, ये वार्सल जाड़ा है तो इसलिए मैं इसको निकाल दे रहा हूँ। और इसको निकालने के बाद फिर भी अगर साउंड आ रहा है इसे तो समझ लीजिए ये जो स्प्रिंग होती है इधर के देखिए लगा हुआ लॉक है, तो ये लॉक अगर इसमें लूज रहेगा तभी भी जो होता है कीक को ये छोटा वाला कीक रिटर्न नहीं जाता है, तभी भी आवाज़ मारता है। अभी मैंने इसको खाली जो वाशर होता है ये वाशर को मैंने निकाला हूँ, अभी इसको इसमें लगाने जा रहा हूँ कि रुचि छोटा वाला। और ये किस लिए देता है, क्योंकि कभी इसका डुप्लीकेट जो सामान रहता है तो उसमें कोई कोई चीज़ में थोड़ा से बड़ा या छोटा रहता है तो इसलिए आवाज़ मारना चालू हो जाता है। अगर आप ओरिजिनल डालोगे तो आवाज़ नहीं आता है। अभी इसके अंदर जो पहले से लगा हुआ था, अब इसमें ये डुप्लीकेट है ओरिजिनल नहीं है। अभी मैं वार्सल इसको निकाल के वापस मैं इसको लगा रहा हूँ, फिर आपको फिटिंग करके फिर दिखाता हूँ मैं। पहले इसको लगाने का तरीका ये है कि आपको कीक को जो है ये कीक को ऐसे आप करना चाहिए, फिर उसके बाद में जो छोटा वाला आता है तब लगाना चाहिए। इसमें कभी भी आप थोड़ा से ग्रीस लगा देना चाहिए, मैं इसके अंदर ग्रीस भी लगाऊंगा। पहले आपको दिखा दे रहा हूं मैं इसको बैठाने का तरीका, पहले इसको आपको करना है फिर बाद में आगे पुश करना है। अभी ये क्लच कवर मैं वापस फिटिंग कर दे रहा हूं। फिटिंग करने से पहले मैं एक बोल्ट यहां लगाऊंगा और एक बोल्ट इधर लगाऊंगा, फिटिंग करूँगा। समझ लो इसमें मैं टोटल अभी 2 बोल्ट लगा रहा हूँ मैं, फिर आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा इसका जो साउंड होता है फिर कैसे आता है। प्लेस देखिए ये फिटिंग कर दिया हूँ मैं, खाली 2 ही जो होता है बोल्ट मैंने लगाया हूँ, बाकी बोल्ट अभी सब खुला हुआ है, आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए खाली मैंने 2 ही बोल्ट लगाया हूँ, उसका साउंड अभी जो गाड़ी के अंदर पहले आ रहा था अभी वो साउंड उसके अंदर नहीं आ रहा है। आपको कीक भी थोड़ा दिखा दे रहा हूँ मैं, ये देखिए अभी ऊपर भी कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, नीचे भी कर रहा हूँ उसका साउंड नहीं आ रहा। पहले ऐसे पकड़ते थे साउंड आता था, अभी देखिए साउंड जरा भी नहीं आ रहा है, देखिए
तो आपको जो तरीका मैंने बताया हूँ तरीका यूज़ करोगे, जैसे किक में साउंड आता है, आपकी गाड़ी का 100% ये काम सॉल्व हो जाएगा। जो किक का साउंड आता है उसका बता रहा हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, आपके पास इजी से पहुँच जाएगा।